अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर अनदर वीडियो हेड्स कॉल क्रिकबाजी। आज हम जिन दो मैच पे बात करेंगे, जो T20 वर्ल्ड कप जो कंटिन्यू हो उसमें जो खेले गए, पहला मैच खेला गया स्कॉटलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, और दूसरा मैच जो खेला गया फ्लोरिडा में वो है पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड। दोनों ही मैच काफी एंड तक गए, काफी क्रूशियल हुए हैं। पहले मैच की अगर हम बात करें मैच समरी की, तो स्कॉटलैंड ने 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पे 180 रन स्कोर किए, जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 19.4 ओवर में 186 रन 5 विकेटों के नुकसान पे ये अदब जो है वो हासिल कर लिया है। तो ये मैच भी काफी क्रूशियल हुआ, काफी एंड तक स्कॉटलैंड ने काफी अच्छी बैटिंग करी। तो इस मैच के सिलसिले में मेरे साथ आज बात करने के लिए मौजूद है मोहम्मद ओन। तो ओन कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये स्कॉटलैंड ने काफी अच्छी बैटिंग करी है आज, काफी बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा किया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। बहुत अच्छा मैच खेला है। हाँ। अच्छा मैच देखने को मिला, अच्छा मैच देखने को मिला, हाई स्कोरिंग गेम देखने को मिला स्कॉटलैंड ने। एक अंडरडॉग टीम और क्या नाम है, एक बड़ी टीम है यार, एक बड़ी टीम, वर्ल्ड चैंपियन, 5-6 दफा की वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, उसके अगेंस्ट 180 रन ऐसा नडर गेम खेला है उन्होंने, कि ऐसी बाउंड्री सेट करी है उन्होंने, तो काफी अच्छा मैच हुआ है। दूसरा मैच जो हमारा मेन टॉपिक आज का बात करने का, जिसमें हम थोड़ी सी गहमा गर्मी भी पिलाएंगे, गर्मा गर्मी भी करेंगे, वो तो पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान खेला गया, जिसमें पाकिस्तान ने पहले टॉस जीत के जो है वो बॉलिंग का फैसला किया और आयरलैंड को बैटिंग की दावत दी। उसमें 106 रन आयरलैंड ने स्कोर किए, कि जो लग नहीं रहा था कि 100 का हिंसा भी जो है वो उबूर कर पाएंगे, क्योंकि काफी बेहतरीन बॉलिंग करी हमारे शाहीन ने भी। पहले ही ओवर में 2 विकेट जो है उन्होंने ले ली थी, और क्या नाम है, 32 रन पे 6 विकेट, आधे से ज्यादा टीम जो है वो उनकी पवेलियन वापसी हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनके लोअर मिडिल ऑर्डर के जो बैट्समैन है, जिन जोशा लिटिल जिनका नाम है, उन्होंने 20-25 रन बनाए, तो यहाँ तक स्कोर पहुंचा। जब जवाब में पाकिस्तान टीम बैटिंग करने उतरी तो हालात काफी अच्छे नजर आ रहे थे, पावर प्ले में 40-45 रन स्कोर कर लिए थे, लेकिन 2 विकेटें भी खोती थी। साहिब अयूब आज काफी बहुत अच्छे टच में नजर आ रहे थे, अपने टच में नजर तो आ रहे थे पर नो लुक को तो अब तो देख के भी नहीं मारा जा रहा है। मसला ये जो सोशल मीडिया पे हाइप बनाया हुआ था ना, नो लुक बहुत हाइप क्रिएट कर दी थी उनकी, उस वजह से बंदा बर्बाद हो गया। ले ले तो साइन 17 बॉलों पे 17 रन स्कोर करके गए, एक छक्का उन्होंने अच्छा मारा। आप रिजवान के बारे में क्या कहेंगे? रिजवान का आउट होने का एक एरिया रह गया उनका फाइन लेग का, या तो फाइन लेग का या तो डीप मिड विकेट का, जहां वो उनका फेवरेट एरिया, जहां वो सिक्स जो है वो थोड़ा बैठ के थोड़ा बना के जो है वो सिक्स मारते हैं, पुल शॉट जिसको कहते हैं, पुल शॉट पे वहां पे मारते हैं। तो 16-17 को रिजवान का एक एरिया रह गया, एक रिजवान का और एक इफ्तिखार का। यार मतलब हद होती है यार, हर मैच में आप कहना में इतनी डॉट बॉल। तो 106 रन 107 रन का टारगेट आ रहा है, वो भी आप 19वें ओवर में पूरा किया है आपने। आप आगे माशाल्लाह किंग है, किंग कर लेगा जी, उनकी भी आपने इनिंग देखी है जी। नाम लें आप, किंग कर लेगा तो नाम लेंगे तो काफी बेहतर, उस पे सबको पता है। अच्छा, मेरे ख्याल से आप बाबर की बात कर रहे हैं, सबको पता है बाबर की आप बात कर रहे हैं, तो जी बिल्कुल। और अगर आप इसी पे बात करेंगे तो अगर आप ये मैच निकाल के स्टैट्स वगैरह निकाल के देखें, तो अगर बाबर आजम ऊपर से इतना रुक के नहीं खेलते तो शायद पाकिस्तान ये मैच लूज कर जाता आज का, इस बात से आपको एग्री करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब वन डाउन बाबर आए तो सिर्फ छक्के चौकों की किसी चीज की जरूरत नहीं थी, स्ट्राइक लेने की एक ऐसा बैट्समैन चाहिए था जो आपकी यानी शुरू से स्टार्ट तक लेके चले जब आपकी विकेट गिरी, तो आज मैच वो बाबर विन करवा के गया है। नीचे से आप आ जाए तो पकड़ने की कोई जरूरत नहीं थी, जो यूजलेस मैच था, जिसकी मैच की जरूरत ही नहीं थी, वो तो बस खेला गया मैच, उसके अंदर बाबर भाई ने आखिर तक खड़े रहे, खेल लिया, मैच विन करवा दिया। ये इंडिया और या किसी बड़ी टीम होती, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, वो जब मैं होता तो जब हम उसमें जब की बात करते हैं ना, वो इस तरह खेलते नहीं है, वो 40-50 बनाकर नहीं, ये वाली बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि बाबर का उनकी 50 होती है। हाँ, वो तना के निकल जाते हैं। बाबर ने अपने खेलने का तरीका भी बहुत चेंज किया है, आप ले लें वो 40-50 वाली कहानी चली गई, आप इंग्लैंड की इनिंग निकाल के देख ले, आप आयरलैंड की उनके होम ग्राउंड पे डबलिन की इनिंग निकाल के देख ले, जहाँ पे वर्ल्ड कप में आप देख ली, किसी की भी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है जो कोई 20-25 बॉलों में 50 है, 60-70 रन, एटलीस्ट आप जिसके फैन है विराट कोहली के, जी विराट कोहली के फैन है, तो उनका आप ले लें तो उनके 3-4 बैट्समैनों को टोटल रन मिला के भी बाबर के उनसे ज्यादा बनते हैं, सिर्फ कोहली की नहीं। जी हाँ, अगर एटलीस्ट आपके जो विराट कोहली है, जिनको आप काफी फॉलो करते हैं, जिनको आप फैन है बहुत बड़े, जिस तरह मैं बाबर आजम का फैन हूँ, मैं उनको किंग मानता हूँ, इस तरीके से अगर आप विराट कोहली की बात करें तो आप मुझे बता दें कैसे किंग नहीं है, आप मुझे बता दें, आप स्टेट्स देख रहे हैं जी, बिल्कुल
कहां गए, किस चीज के स्ट्रेटजी? अगर आप सोशल मीडिया को फॉलो करके, नहीं जो बंदा मैच नहीं जितवा सकता जी, वो किस तरह का गेम है? अगर आपको ये बात नॉलेज में नहीं है तो आप जरा जाके देखिएगा बाबर, जो ये आजकल और कल कल के बच्चे जो नए नए जरा उठ गए हैं ना कि मोस्ट यूजलेस 4009 T20 इंटरनेशनल, अगर आप निकाल के देखें तो उसके 4000 रन में से 75% रन जो है वो विनिंग कॉज में, अगर आप स्टेट जाके निकाल के देखें। अगर आपके बात में ये नॉलेज में नहीं है आपके पास, जो आप जरा जाके निकाल के देखिएगा एटलीस्ट, अगर जो मतलब सीनियर प्लेयर बोल रहे हैं, बाबर T20 का प्लेयर नहीं है, सही है, कौन बोल रहा है ये बात को एग्री करते हैं? मैं बिल्कुल इस बात से एग्री नहीं करता भैया, मैं इस बात से एग्री नहीं करता, क्योंकि आप ये स्टेट्स देख रहे हैं ना, आप 4000 देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, ये फुल है, विराट कोहली जैसा बंदा है, जो रूट जैसा बंदा है, स्टीव स्मिथ जैसा बंदा है, सब है, सही है, उनके भी अच्छे खासे रन है, उन्होंने भी बनाया अपने नाम बनाया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, पर वो T20 के प्लेयर नहीं है, तो वो सही है, टीम है जो उनकी कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया हो गई, इंग्लैंड हो गई, वो लेकर नहीं आई, जबकि वो बहुत बड़े प्लेयर है, वो उनके माने जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के, स्टीव स्मिथ होगा, जो भी होगा, कितने भी है, उनको नहीं लेकर आए, तो सीनियर प्लेयर मानते हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है आपकी बात, तो आपको मैं ये तो कहना चाह रहा हूँ आपसे, ये तो बता, अगर आप स्टेट से एग्री नहीं करते तो आपकी ये बहुत बड़ी गलत फहमी है कि स्टेट जो है वो किसी के किंग के किसी के करियर में जो है मैटर नहीं करते, क्योंकि अगर स्टेट ही बंदे के ऐसे यार, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ जी कि स्टेट्स आप ना देखें, आप T20 प्लेयर के सामने रख के देखें, ठीक है, और मैं नहीं मानता वो T20 का प्लेयर है बाबर आजम, ये आपकी अपनी सोच है, सबका अपना अपना ओपिनियन है, आपका अपनी सोच है, आपकी अपनी सोच है, और मैं आपकी सोच से बिल्कुल एग्री नहीं करता, नहीं जितवा सकता जो बंदा सामने अच्छी टीमों के सामने खिलाफ, हाँ वो देखिए, अगर आप ऐसी अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं आप उससे विराट कोहली की, वो इनिंग से जो वो बन रहे हैं, विराट इधर है तो बाबर इधर है, नहीं ये आपकी सोच है, ये आपकी गलत सोच है, वो आपकी गलत सोच है, विराट कोहली यहाँ बन गया है, आपकी गलत सोच है, मेरे भाई आपकी गलत सोच है, विराट बन चुका है, सही है, बाबर बनने जा रहा है, ये आपकी आपकी ऐसी गलत सोच है, अगर विराट रिकॉर्ड मेकर है तो बाबर जो है वो रिकॉर्ड ब्रेकर है, आप जो उसने रिकॉर्ड बनाया है, जो जो उसने रिकॉर्ड बनाया है वो लाइन टू लाइन 2015 का मई के पहले मैच से लेके देख ले आप, और अभी तक देख ले कौन सा ऐसा रिकॉर्ड है जो उसके करियर के एक इस मोड़ तक जो है वो बाबर तोड़ता हुआ नहीं आ रहा, मुझे कोई आप एक रिकॉर्ड बता दे, मुझे कोई आप ऐसा एक रिकॉर्ड बता दे, सही बात की एक बात, विराट इधर है, सही बाबर इधर, ऐसा आपकी वजह ये आपका मैं ओपिनियन है, वो अभी भी बहुत दूर है बाबर, ठीक है, 80-90 सेंचुरी जो भी है सही वो बहुत दूर है, बाबर इधर है तो मैं वही बार बार कहना चाह रहा हूँ, विराट इधर है, वो बन चुका है, उसने अपनी चीज बना ली है, वो बन चुका है, उसने 10-12 साल जितने भी साल दिए हैं वो बना लिया उस बंदे ने, ठीक है, बाबर बनने जा रहा है, क्या पता अल्लाह ने चाहा बाबर बन सके, पर मेरा मैं ही मानता पाकिस्तान टीम में वो खेल रहा हूँ, ये पाकिस्तान की कंट्री है, गिनती के 3-4 साल खेल रहे मुश्किल से, बड़ी बात है, जिस तरह से अभी मामला हो गए बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे, मैं आपकी इस बात से एग्री करूंगा कि अगर ये क्योंकि बाबर जिस मुल्क का कैप्टन है जिस टीम से खेलता है उस टीम का नाम है पाकिस्तान, उस टीम का नाम है पाकिस्तान, तो अगर उस अगर आप बात करते हैं कि विराट कोहली के करियर तक उस तरफ पहुंचने पर, तो मेरा भी ये ख्याल नहीं है कि बाबर जो है वो उस इतने मैचेस खेल पाएगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अव्वल तो पाकिस्तान में इतने मैचेस होते नहीं है जितने इंडिया खेलता है, अच्छा आप जितने शेड्यूल उनके मैचेस, आप अभी भी बाबर विराट को कंपेयर करेंगे? जी मैं बिल्कुल करूंगा, और आप किस एंगल से नहीं मानते आप मुझे वो भी बता दे ताकि मैं आपको डाउट भी क्लियर करने बता दूं, आप सिर्फ स्टेट्स देख रहे हैं जी, वो उसका शुरू क्या नाम है रिकॉर्ड तोड़ रहा है, वो उसका तोड़ रहा है, वही वाली बात हो गई, क्या नाम है सर विवियन रिचर्ड्स का कोई रिकॉर्ड होगा और बाबर का कोई रिकॉर्ड तोड़ेगा, तो आप सोच रहे हो किंग है वो सचिन सॉरी सर विविन रिचर्ड से ऊपर, सर विविन रिचर्ड की तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे हैं, करंट एरा के प्लेयर्स की बात कर रहे हैं ना, मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ, वो सचिन से अच्छा प्लेयर होगा, सचिन का रिकॉर्ड तोड़ेगा, वो सचिन से अच्छा प्लेयर, किसने बोला? जब यार जब इंडिया के लोग इंडिया की टीम इंडिया की जितने भी आवाम है जितने भी लोग हैं, भले सचिन 100 सेंचुरी मारी कुछ भी है, विराट है, विराट ने 80 मारी 90 मारी जितनी भी मारी, पर वो सचिन को अभी भी ऊपर रखते हैं, क्योंकि उस बंदे की एक अलग क्लास थी, उस बंदे ने जो बॉलरों को फेस करा वो विराट भी नहीं कर सकता था, वसीम अकरम जैसे बॉलर, वकार यूनिस जैसे बॉलर, ब्रेडली ये तो चलो विराट ने भी करा है फेस करा, मगर इस तरह के बॉलरों को उसने फेस करा है, हाँ। तो यार सचिन के एक अलग लेवल होगा, विराट का अलग है, बाबर का अलग है, बाबर ने किस तरह के लोगों को फेस करा है कोरोना में, इस तरह के बच्चे जो निकले हैं, उन मैं आप बताएंगे वरना आपको बताता हूँ कि किस तरीके के बॉलर्स को और किस तरीके के बॉलर्स को सबसे ज्यादा मार जो है उसने, आपको नाम रखता हूँ डेल स्टेन, डेल स्टेन का बताएं, डेल स्टेन कमेंटेटर बोले आई हैव नेवर सीन द अदर बैट्समैन जो है
क्या नाम है, मैं उर्दू में बताता हूँ आपको कि मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि डेल स्टीन को जो है किसी बैट्समैन ने जो ऐसा ट्रीट किया। अगर आप टेस्ट मैच की सेंचुरियन की इनिंग निकाल के देखे तो अच्छा आपको डेल स्टीन को आपने, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, आपको मतलब कब की कब की इनिंग है, मतलब कौन सा इनिंग है वो, कौन सा सन है आप बताएं, मुझे बताएं, वो 2017 की बात है, 2017 की है जी, जब डेल स्टेन खत्म हो गया था जी, डेल स्टेन खत्म हो गया, वो अपनी इंजरी से वापस आया था, क्या पता वो कमबैक कर ले, आप उसकी इंजरी इतनी खतरनाक थी कि वो एक साल उसकी बॉल दिखा के निकाल के देखे उसमें की किस तरीके की किस इन स्विंग आउट स्विंग हो रही थी डेल स्टेन अपने पूरे करियर में, बड़ा प्लेयर है वो, मतलब क्या नाम है, अगर अभी भी खेलेगा वो इन स्विंग आउट स्विंग आराम से कर सकता है, जैसे आमिर हमारा है, पहले वो 130 का पेस डाल रहा है, 120 का डाल रहा है, पर उसकी इन स्विंग आउट स्विंग या जो उसकी है सीनियर प्लेयर वाली हरकतें हैं, उस पे भी बाबर ने डेल स्टेन को पूरे करियर का एक वाहिद ऐसा ओवर गया है। बाबर उस टाइम में उड़ रहा था, बाबर के नाम है फिटनेस, आप देखो फिटनेस लेवल देखो उस टाइम पे, बाबर था उस टाइम पे था दिखाता था, पर अभी आप उस टाइम की अभी भी आप कंपेयर कर लो कि यार मेरे समस्या आ रहे हैं, नहीं ये सबकी अपनी अपनी सोच है, आप अपने नजरिए से जो है वो कंपेयर करते हैं, मैं अपने नजरिए से करता हूँ, बहरहाल बाबर और विराट की कंपैरिजन करते हैं कुछ हेटर्स को लेके और मुझे फैन को लेके बात जो है वो काफी आगे निकल गई है, तो हमारा मेन जो टॉपिक था वो आज मैच का था, तो देखें अगर आपके पाकिस्तान की भी जो है वो 62-65 रन पे जो है वो नीचे से 6 विकेटें गिर गई थी, उसके बाद जो है वो बाबर आजम ने ऊपर से जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, जो उन्होंने 34 गेंदों पे जो है क्या नाम है 32 रन ऊपर से खेले, अगर वो ऊपर से अपनी विकेट दे के चले जाते तो नीचे से कोई ऐसा बैट्समैन नहीं था जी, ठीक है जी जी, नीचे से कोई ऐसा बैट्समैन नहीं था जी, आपको इस बात से एग्री करना पड़ेगा, देखें जी बात पे तो मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि जिस तरह की हमारी परफॉर्मेंस चल रही है पिछले 10-12 मैचों में, ठीक है ना, बाबर को कह सकते हो ना, मैं कह सकता हूँ ना, आप शराब को कह सकते हो ना, किसको कह सकते हो, किसको कहेंगे फिर आप, यही लड़के तो टीम में खेल रहे, टीम में तो है वो, ठीक है, देखिए अभी 2 साल पहले भी आप उसको बाप बना के बिठाया था, शताब को शताब हमारा ठीक है, ठीक है, शताब है, शाहीन है, सब है, आप अभी क्या नाम है शाहीन को भी जल्दी कर लो, शताब को भी कर लो, वो वजह क्या है, वो वजह ये क्या है, हमें भले वो क्या नाम है अपने उसमें खेल रहे हैं या तो उनकी परफॉर्मेंस नहीं हो रही, आता है हर किसी पर, अभी टीम के अंदर एजेंसी वगैरह बहुत ज्यादा मामला लगते हैं कि अंदर की टीम के अंदर टीमें बन रही है, पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा आ गई है, टीम के हर दो महीने बाद चेयरमैन चेंज हो रहा है, चेयरमैन चेंज हो रहा है, हर दो महीने बाद कप्तान कोई नया, हमारा जो टपकता है अभी हमारे किंग बाबर को बनाया गया है वापसी कप्तान जी, मुझे समझ में नहीं आता क्यों बनाया गया, 6 टूर्नामेंट हरवाने के बाद बंदे को वापसी लाया गया है, और वो भी इतना बड़ा किंग है, वो भी वापसी उठा के ताज पहनेगा कि मैं किंग बनू, अबे भाई अल्लाह के बंदे 7 टूर्नामेंट होगा तो छोड़ दे अल्लाह के बंदे, नहीं ये आपकी सबकी सोच है, अगर आप फिर अब मैं आपको निकाल के देखूंगा कि अगर आप अभी जाके बाबर आजम की कैप्टनसी के 7 टूर्नामेंट अगले की परफॉर्मेंस बता दें, मैं बाबर आजम की तो खासतौर पर बोलूंगा ये कप्तान है हमारी टीम का, उसकी परफॉर्मेंस बता दें उसकी, ठीक है, और दूसरा ये पाकिस्तान टीम किस तरह अल्लाह अल्लाह करके कुदरत के निजाम से आगे गई है, अभी भी आपके एना में आप बता सकते हैं जैसे यूएसए से आ रहे हैं हम लोग, इंडिया से आ रहे हैं, यूएसए से तो नो डाउट बहुत बहुत अफसोस हुआ हमें वो मैच देख के, अपसेट नहीं था यूएसए ने वाकई में जो दलेराना मैच खेला सुकून से, बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं लेने नहीं लिया, बात ही कर रहा था कि यूएसए से आ रहे हम लोग इंडिया से आ रहे हैं, ठीक है, हम लोग सारे किस बात दुआओं पे, दुआ यार ये सीजन अच्छा चलेगा, मतलब आप कब ऑस्ट्रेलिया बनोगे कब इंग्लैंड बनोगे यार, मेरे तो समझ में नहीं आती, आप हर साल कुदरत के निजाम, बाबर की बात नहीं, दूसरा कप्तान आएगा मुझे यकीन है वो कुदरत के निजाम पे आगे बढ़ेगा, जब तक टीम में सिफारिशें और उल्टे सीजन चक्कर सबसे ज्यादा जी, फिर टीवी में सारी टीवी चैनल में बैठे जो खिलाफ वर्जी भी कर रहे हैं कुछ लोग, कुछ लोग वही टीम में आने के बाद वो उठाएंगे, वही टीम में आने के बाद जो 42 में ऐसी हम लोग ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं कि उठाने वाले जो होंगे के टीवी के बाहर बैठ के टीवी पे जो बैठ के ये बातें करेंगे और टीम के अंदर आके कि मेरी तो कभी बाबर से बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गई है हमारे पाकिस्तान टीम के अंदर, जो परफॉर्म कर रहा हो या नहीं कर रहा हो वो टीम के अंदर है क्योंकि वो दोस्त है, वो बाबर का दोस्त है, वो शाहीन का दोस्त है, वो जब टीम के अंदर है तो वो या तो मोहसिन नकवी का बहुत खास बंदा है उसी लिए टीम के अंदर, बस तो देख लेंगे यही उल्टे सीधे मामला चले, आज भी अल्लाह अल्लाह करके जो पहुंचे, आज जो 6 विकेट उनके गिर गए, उसके बाद ऊपर से संभाला, 2 घंटे बाद फ्लाइट होगी पाकिस्तान की, दुबई की कनेक्टिंग, पहले दुबई जाएंगे, वहां से जरा पकड़ा की शॉपिंग वगैरह करेंगे, फोन आया था मेरे पास, बाबर के माशाल्लाह अच्छे फैन, बहुत बड़े फैन है, बहुत बड़े फैन है, इससे बड़ा पाक फैन नहीं होगा जी, इससे बड़े फैन, सॉरी
सॉरी, या आप जो है वो अल्फाज ऐसे इस्तेमाल ना करें, वरना मेरे पास भी बहुत सारे अल्फाज हैं इस तरह के। नहीं, सही बात है, ये तो बहुत बड़े फैन हैं आप। जी अल्हम्दुलिल्लाह, फैन है या अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं नहीं, वो वाला कोई ऐसा फैन नहीं जिस फैन की आप बात कर रहे हैं। चले तो चले इसी वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। बस दुआ करेंगे कि पाकिस्तान टूर्नामेंट से तो बाहर हो गया है, आने वाली सीरीज उसमें भी 3-4 महीने का चेंजेस हो, चेंजेस हो, कप्तान चेंज हो जाए और खुद ही छोड़ के चले जाए यार कप्तानी से। वो अगला बंदा अपने ना बैटिंग कर पा रहा है ना क्या नाम है कप्तानी, ना कप्तानी कर सकता वो ना बैटिंग। अगर एक बंदा एक चीज कर सकता है वो रिकी पॉन्टिंग, लेकिन विराट कोहली जैसा बंदा कप्तानी छोड़ सकता है वो, भले कितना भी बड़ा प्लेयर हो उसने कप्तानी इस वजह से छोड़ी क्योंकि वो खुद भी खराब होते जा रहा था। तो वो रिकी पॉन्टिंग नहीं है बाबरा, वो एक चीज कर सकता है। रिकी पॉन्टिंग था वो रन भी बनाता था और वो साथ में ट्रॉफी भी लेके आता था, और फिर भी बाबर के स्टैट जो है वो ओवरऑल सारे कैप्टनों से सबसे बेहतरीन है। आप देख ले सबसे ज्यादा विन जो एज ए T20 कैप्टन जो बाबर आजम के नाम है, बाबर की कप्तानी में कौन जीता सबसे ज्यादा बता दे मुझे। बाबर की कप्तानी के अलावा लेके जाना है फिर आपने, आप बाबर ने जहाँ लेकर खड़ा किया है बड़े टूर्नामेंट, बाबर ने टीम जब बड़े टूर्नामेंट भी नहीं खेल पा रहे, बड़े टूर्नामेंट में सही रहे अपनी बैटिंग के अंदर भी, वो ना ट्रॉफियां लेके आया कुछ, बिल्कुल सही आपकी बात, एग्री करूंगा मैं। उन्होंने सरफराज की कप्तानी के अंदर जीती थी, वो भी अंदर कंप्लीट नहीं था। सरफराज अगर कप्तानी कर सकता था वो बैटिंग पे नहीं था, वो मैं नहीं मानता वो था, उसकी बैटिंग नहीं थी ठीक है, क्योंकि वो एक चीज में कम्प्लीट था वो, बस सीधी सी बात थी। बहरहाल इस वीडियो को एंड की तरफ लेके जाते हैं हम, के उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तान का सफर जो है वो यही तमाम हुआ जाता है जीत के साथ जो है वो, क्योंकि जिस जीत का कोई फायदा भी नहीं है। किंग कर लेगा, तो कल जो है वो ईद उल अजहा का दिन है, तो आप सब लोगों को एडवांस हमारी तरफ से जो है वो ईद मुबारक। तो मिलते हैं आपसे फिर वर्ल्ड कप की कोई अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में, या पाकिस्तान के किसी टॉपिक में, या फिर भी किसी कोई से अच्छे से टॉपिक में आपको मिलते हैं जो बकिया रिमेनिंग फिक्सर्स हैं वर्ल्ड कप के, किसी अच्छी खबर में और इंटरेस्टिंग मैच के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। लाइक कर दो अगर सेकंड पार्ट चाहिए तो।